हेलो बच्चों, तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, तो अगर आप यहाँ पे भूले भटके आ गए हो तो पहले आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को अच्छे से समझ के आइए। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में करवाई हैं वो, तो आप देख के आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थोड़ी सी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थी बच्चों? पहली होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as is equal to v square minus u square। ये तीन equations of motion होती हैं बच्चों। v is equal to final velocity, initial velocity, acceleration, ये time, ये displacement होती है। s होती है displacement, लेकिन आपको numericals में कई बार distance लिखा है, find distance, तो आपको समझ जाना है कि straight line motion में अगर body same ही path पे, same ही direction में travel कर रही है, तो displacement और distance दोनों same होते हैं। तो आपको समझ जाना है, चाहे डिस्टेंस लिखा है चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखा है, आपको एस निकालना है यहाँ पे, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशंस को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ मैंने बता दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स। चलो तो बच्चों, ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना है और देखना है कि मैं यहाँ पे कैसे करवा रहा हूँ इसको। तो चलो पहले तो मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो, फिर वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है? तो देखो, क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है बच्चों? ये वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है ये बच्चों? स्टार्टिंग की वेलोसिटी है। स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है यू, इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का रूल होता है बच्चों, गिवन जो है आपके पास वो सब कुछ लिखो, ठीक है? तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि गिवन क्या है मेरे पास। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों? इसके बाद देखो, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब आगे की तरफ जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है? विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब क्योंकि हम मोशन जो भी पढ़ेंगे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ही पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होती है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी है ये दी है, यानी ए गिवन है आपके पास 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरे क्वेश्चन के लिए गिवन है ये दोनों चीजें। उसके बाद अलग अलग से तीन पार्ट्स है हमारे पास, ठीक है? पहला पार्ट है बच्चों हमारे पास, हमको डिस्टेंस निकालना है, यानी एस निकालना है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या निकालना है? एस निकालना है। कब निकालना है? इन फर्स्ट टू सेकेंड्स, यानी अगर मैं फर्स्ट पार्ट में बात करूं तो इन दोनों के अलावा मेरे पास टाइम भी आ गया। क्या आ गया? 2 सेकेंड। और मेरे को निकालना क्या है बच्चों? मेरे को एस निकालना है। मेरे को क्या निकालना है? एस निकालना है। ये देखो, तीन आपके पास चीजें दी हैं, एक चीज निकालनी है। अब डिसाइड करो कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे। तीन फॉर्मूले आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता, क्योंकि एस निकालना है, एस तो इसमें है ही नहीं। अब यहां पर आ जाओ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या इसको यूज कर सकता हूं मैं? एस मेरे को निकालना है, यू मेरे पास हाँ है, टी मेरे पास हाँ है, ठीक है, ए मेरे पास है, टी मेरे पास है, यानी ये इक्वेशन मैं यूज कर सकता हूं। एक बार तीसरी को भी चेक कर लेते हैं। तीसरी इक्वेशन होती है बच्चों, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एस तो निकालना है मेरे को, ठीक है, लेकिन मेरे पास वी नहीं है बच्चों। दो दो चीजें निकालने वाली होगी तो मैं इसको इक्वेशन को यूज नहीं कर सकता, मेरे को दूसरी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? तो ये इक्वेशन यूज करनी है, सब कुछ आपके पास है। चलो वैल्यू डाल दो, अब तो खुद करो डफरो, ठीक है? तो एस निकालना है आपको, यू टी, यू कितना है 2.5, टी कितना है 2, यानी 2.5 इंटू 2 प्लस हाफ ए। एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों? 0.5 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे ये आ गया 2.5 इंटू 2 5 प्लस ये कितना आ गया 0.5, 1 2 यहां पे बचा तो ये 1, तो कितना आ गया बच्चों 6
मीटर आंसर आ गया। तो आई होप आप सब ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा बड़े आराम से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। तो देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या है, ये दोनों चीजें तो पूरे क्वेश्चन के लिए थी, अब आ जाओ सेकंड पार्ट, देखो क्या है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच 7.5 मीटर पर सेकंड, कितना टाइम लगेगा, यानी आपको टाइम निकालना है बच्चों। ठीक है, और किसके लिए पूछा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए 7.5 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग में तो इतनी थी, अब बोल रहे कि वेलोसिटी कितनी हो जाए उसकी 7.5 मीटर पर सेकंड ना। हाँ, तो वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 7.5 मीटर पर सेकंड। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे कौन सी क्वेश्चन लगा सकता हूँ, टी मेरे को निकालना है, वी मेरे पास है, यू मेरे पास है, ए मेरे पास है, टी निकाल सकता हूँ, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी कितना है बच्चों 7.5 है, इज इक्वल टू यू कितना है बच्चों 2.5 है, प्लस ए कितना है बच्चों 0.5 है, और टी मेरे को निकालना है। तो 2.5 यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0.5t। तो कितना आ गया, दिख तो रहा है ना। हाँ, तो देखो 0.5t, तो t कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ये इसके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5/0.5, डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 5, 5 × 5, और ये 10 सेकेंड आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, हाउ मच डिस्टेंस, मेरे को डिस्टेंस निकालना है, यानी मेरे को एस निकालना है। ठीक है, विल इट कवर टू रीच 7.5 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए 7.5 मीटर पर सेकेंड, यानी यू से वी जब पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। अब देखो कौन सी क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज करूंगा, ये वाली तो मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को एस निकालना तो इसमें है ही नहीं। यहां पे मैं इसको यूज कर सकता हूं क्या, मेरे पास यू है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता, इसको यूज कर सकता हूं। देखो एस निकालना है, ए है, वी है, यू है, तो चलो आ जाओ। तो टू, आई होप आप खुद सॉल्व कर रहे होंगे उसके बाद देख रहे होंगे। ठीक है, 2as is equal to v² - u², तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो 2as यानी 2 × 0.5 × s is equal to v² यानी 7.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो कितना आ गया, ये 1 ही आ गया, 2 × 0.5 आधा इंटू 2 1, यानी ये आ गया एस इज इक्वल टू 7.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा अब। ठीक है, तो 75 का स्क्वायर कर देते हैं, 49, 25, 7, 35, 70, 5, 2, 9, 7, 16, 1, 4, 5, 56.25 आ गया, 56.25 और माइनस 6.25, तो ये कितना आ गया बच्चों 50 मीटर आपका आंसर आ गया। तो ये था बच्चों एक बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, तो वीडियो कर दो पॉज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ट्राई करो और फिर वीडियो प्ले करो, और चलो अब करते हैं। चलो देखो, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे, एक कार चल रही है स्ट्रेट हाईवे में, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितनी स्पीड है उसकी 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी स्पीड है उसकी 35 मीटर पर सेकेंड, इज ब्रॉट टू स्टॉप। अब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है बच्चों कि ये 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्पीड कम होती गई, और यहाँ पे कोई टाइम आया जब इसकी स्पीड कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, यानी गाड़ी रुक गई। समझ में आया कि 35 मीटर पर सेकेंड से चली थी, स्पीड कम होते होते कहाँ पे आ गई, स्टॉप पे आ गई, मतलब स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, और ये गाड़ी को रुकने के लिए जो डिस्टेंस लगा ये लगा 200 मीटर, मतलब 200 मीटर वो चली 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 और
रुक गई आगे, व्हाट इज रिटार्डेशन। अब ये रिटार्डेशन क्या है बच्चों, ये एक्सलरेशन का ही भाई है, एक्सलरेशन का भाई है ये। नेगेटिव एक्सलरेशन, जब स्पीड कम हो रही हो तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपको बहुत सही। तो ये एक्सलरेशन ही है, क्या है ये एक्सलरेशन, हालांकि ये नेगेटिव एक्सलरेशन होती है जब वेलोसिटी कम हो रही हो, और तो यहाँ पे कम भी तो हो रही है क्योंकि कम होते 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 कहाँ पहुंच गई, जीरो पे। यानी आपको एक्सलरेशन निकालनी है, रिटार्डेशन निकालनी है, और उसके बाद बताना है कि इसके लिए, इस पूरे ड्रामे के लिए कितना टाइम लगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारे पास। देखो बच्चों हमारे पास गिवन है, यहां पे लिखता हूं मैं गिवन, u है मेरे पास, यानी इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 35 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा मेरे पास s गिवन है 200 मीटर। अब डिस्टेंस बोल लो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधी ही लाइन में चली है और सेम डायरेक्शन में चली है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। s गिवन है, और क्या गिवन है मेरे पास, और गिवन है मेरे पास v गिवन है बच्चों, v इज इक्वल टू कितना है, जीरो। निकालना क्या है मेरे को, रिटार्डेशन यानी एक्सलरेशन निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ यहाँ पे, तो देखो कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का तो सवाल पैदा मेरे को लगता नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे a तो है, मेरे पास t नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी नहीं निकाल सकता क्योंकि इसमें भी t है, तो t वाली तो मेरे को चाहिए नहीं, यानी एक ही ऑप्शन बच गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो चलो लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बच्चों 2as is equal to v square minus u square। ठीक है, तो लगा दें देखो 2 into acceleration मेरे को निकालनी है। ठीक है, acceleration मेरे को निकालनी है into s मेरे पास 200 है, s मेरे पास 200 है, v मेरे पास 0 है यानी 0 स्क्वायर, माइनस u मेरे पास 35 है यानी 35 का स्क्वायर। तो देखो यहां पे 2 into 200 कितना हो गया बच्चों, 400a is equal to 0 minus 1225, ये होता है बच्चों 35 का स्क्वायर। तो एक्सलरेशन कितनी आ जाएगी यहां से, माइनस 1225 अपॉन 400, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा ये, 4 3 12 4 6 24, तो ये आ रहा है 4 2 8। हाँ, तो दो प्लेस के बाद डेसिमल, तो यानी ये आ गया बच्चों आपके पास एक्सलरेशन, -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो एक्सलरेशन जो आया है बच्चों यहाँ पे वो नेगेटिव आया है, इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। आई होप अब आपको रिटार्डेशन से कंफ्यूजन नहीं हो रही हो। जब वेलोसिटी कम होती जाती है इसी को बोलते हैं बच्चों रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सलरेशन। तो समझ में आ गया होगा। अब आपको टाइम भी निकालना है, तो देखो टाइम कैसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मेरे पास v है 0, u कितना था 35, प्लस ए कितना है मेरे पास -3.06, और टाइम कितना है निकालना है, ये यहां पे आ जाएगा -35 इज इक्वल टू -3.06 टी। तो टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, 35 अपॉन 3.06, तो ये सेकंड में आएगा, तो ये आ गया बच्चों आपके पास टाइम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से डील। तो बच्चों सबसे पहले तो ध्यान में रखो गिवन लिखो, ठीक है, फिर देखो क्या निकालना है, फिर डिसाइड करो कि आप कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो, फिर आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये है बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन, तो देखो जरा, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर देखो। तो अ बॉय स्ट्रेचेज अ स्टोन अगेंस्ट द रबर ऑफ अ कैटापुल्ट और गुलेल। आपने गुलेल देखी होगी ना, वो बंदरों को भगाने में काम आती है वो, ठीक है, तो ऐसे उसमें पत्थर लगाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो आपने गुलेल देखी होगी, उसको इंग्लिश में कैटापुल्ट बोलते हैं अंग्रेजों, ठीक है। तो बॉय ने क्या किया, एक स्टोन को पकड़ा और गुलेल में क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। अब उसने उस गुलेल को पकड़ा और
24 सेंटीमीटर पीछे तक उस गुलेल को क्या कर दिया, खींच दिया, ठीक है। तो बिफोर लिविंग इट, अब ये थी मान लिया गुलेल, अब कैसे बनाऊं गुलेल को, ठीक है, ये थी गुलेल। अब बॉय ने क्या किया, इसको खींच दिया पीछे, कितना पीछे खींच दिया बच्चों, 24 सेंटीमीटर पीछे खींच दिया, ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर पीछे खींच दिया इसने। अच्छा, द टेप रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन एक्सेलरेटिंग द स्टोन। अब यहां पे बेचारा स्टोन, ठीक है, जैसे ये छोड़ेगा तो ये क्या होगी, स्टोन जो है वो निकलेगा आगे को किसी वेलोसिटी के साथ, किसी एक्सेलरेशन के साथ जो कि कॉन्स्टेंट रहेगी, हमने ये अज्यूम करना है। द स्टोन लीव्स द गुलेल विद अ स्पीड ऑफ 2.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जब इसने ये स्टोन पकड़ा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, लेकिन जैसे स्टोन को ये छोड़ देगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2.2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, यानी स्टार्टिंग में वेलोसिटी जब पकड़ा हुआ था तो जीरो थी, लेकिन जैसे छोड़ दिया वेलोसिटी इतनी पहुंच गई। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो देखो बच्चों गिवन क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ये एस, एस कितना है 24 सेंटीमीटर, इसको हम एसआई यूनिट में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.24 मीटर, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे, ओके। और क्या गिवन है बच्चों, हमारे पास गिवन है यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉल उस स्टोन को पकड़ा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा वी कितना है हमारे पास, वी कितना है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, कहां गया 2.2 मीटर पर सेकेंड, 2.2 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो जल्दी से देखो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। यहां पे एक्सेलरेशन निकालना है, एस है, वी है, यू है, 2as ये वाली लगा सकते हो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देखो, तो देखो एक्सेलरेशन निकालनी है, 2 इंटू ए इंटू एस कितना है, कितना है 0.24 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी कितना है 2.2 का स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर, और माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है बच्चों 0 का स्क्वायर, यानी तो 0 जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना आ गया 0.24, 24 तो 0.48 a इज इक्वल टू 2.2 का स्क्वायर, यानी 4.84, 484 होता है 22 का स्क्वायर। तो देखो a इज इक्वल टू 4.84 अपॉन 0.48, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 4.8 लिख दूं तो ये भी 4.8 ही है, तो ये कैंसिल होके 10 बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गई बच्चों आपके पास एक्सेलरेशन, आई होप आपको क्वेश्चन मजेदार लगा होगा और समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, ये क्वेश्चन आपको समझ में पक्का आए होंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, बस 2 मिनट रुक जाओ उस क्वेश्चन को देख के जाओ। तो बच्चों ये है आपके लिए क्वेश्चन जो आप ट्राई करोगे खुद से, तो पक्का इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये सबसे इजी क्वेश्चन मैंने यही दिया, ठीक है, तो आप खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिए, अपने डाउट्स जरूर लिखिए, और मेक इट इजी, देखते रहिए, नया चैनल है, सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच, लव यू।